हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हिंदी का पार्ट 4 अपराजिता, जो कि आपकी 8th क्लास का ये दिया गया। तो इसमें आप सारे क्वेश्चंस और साथ ही में आंसर भी यहाँ देख सकते हो, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखें। तो ये आपका अपराजिता पार्ट 4 आपको दिया गया है, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस और साथ ही आपको आंसर भी इस टाइप से यहाँ दिए गए हैं। आप देख सकते हो कुछ कुछ इस टाइप से यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तो क्या दिया है, बहुविकल्पीय सही उत्तर छांट के लिखिए। तो इस टाइप से यहाँ पे आपको ये विकल्प दिए हैं, जिनमें आपको साथ में आंसर भी दिए गए। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इस पार्ट में अपराजिता किसे कहा गया है। तो इसमें क्या है, डॉक्टर चंद्रा को, श्रीमती सुब्रमण्यम को, लेखिका शिवानी को, या डॉक्टर मेरी बर्गीजे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या है आपका, डॉक्टर चंद्रा को, जो कि आपका ए वाला है वो आपका राइट आंसर है, डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता कहा गया है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट आपका क्या दिया, अपराजिता पाठ किस विधा में है, निबंध में है, स्मरण में, एकांकी में, या फिर कहानी में। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, संस्मरण में। तो ये जो आपका बी वाला है वो आपका राइट आंसर होगा। तो अपराजिता पाठ संस्मरण विधा में है। इसी के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था। तो इसमें भी चार ऑप्शन आपको दिए, जो इसका राइट आंसर होगा श्रीमती टी सुब्रमण्यम का, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया गया है, श्रीमती टी सुब्रमण्यम का। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो नेक्स्ट क्या दिया है, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी। तो इसमें क्या दिया है आपको, गायक दिया, चिकित्सक, वैज्ञानिक, दार्शनिक और गायक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, चिकित्सक, बस जो है आपका ये वो राइट आंसर है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अति लघु में दिया है। अति लघु का पहला प्रश्न है आपका, अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों में किसे प्रेरणा देने को कहा है। ये आपका क्वेश्चन है और इसी के नीचे आपको इसका उत्तर भी दिया गया है। तो हम इसका उत्तर देखेंगे, आंसर देखेंगे इस क्वेश्चन का, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको इसका आंसर दिया गया है। तो क्या है इसका आंसर, मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों में उदास आँखों वाला वहाँ गोरा उजले वस्त्रों में सुसज्जित लखनऊ या लखनऊ का मेधावी युवक पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। तो इस टाइप से यहाँ पे इसका आंसर आपको दिया गया है, इस टाइप से आप ये पूरा देख सकते हो। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्या दिया है, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द एक वाक्य में व्यक्त कीजिए, जिसका आप आंसर देख लीजिए पूरा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे दिया है। यहाँ एक ऐसी विकलांग महिला है कि मार्मिक कथा है, जिसने अद्भुत धैर्य, दृष्ट इच्छा शक्ति और अनवरत साधना से अपने जीवन को सक्रिय और सफल बनाया। विषम परिस्थितियों में वहाँ साहसपूर्वक आगे बढ़ती रही, विजय प्राप्त करती रही तथा अपराजिता अपराजित बनी रही। इस टाइप से ये क्वेश्चंस का आंसर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सातवां दिया है आपको, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो इसका जो आपका आंसर है वो देख सकते हो आप, रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, सरल, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा, और इसके बाद है मिश्र वाक्य, ये आपको इस प्रकार से दिए हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, डॉक्टर चंद्रा की माँ सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं। तो इसमें आप देख लीजिए क्या है,
कि डॉक्टर चंद्रा की माँ शारदा सुब्रमण्यम अद्भुत साहसी जननी थी, उनका इसी गुण से हम प्रभावित थे। इस टाइप से ये क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे लघुत्री आपको दिए गए हैं यहाँ पे। लघुत्री प्रश्न का पहला प्रश्न हम देखेंगे, तो क्या दिया है आपको लघुत्री का पहला प्रश्न। अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा। डॉक्टर चंद्रा ने भाग्य के प्रत्येक कठोर आघात के बड़े ही अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेला था। अल्पायु में ही इतने कष्टों को झेलने वाली वह लड़की किसी देवांगना से कम नहीं है, तो लेखिका ने उसे देवांगना कहा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे साहसी जननी किसे कहा गया और क्यों। तो इसका आंसर आप देख लीजिए कि साहसी जननी किसे कहा गया और क्यों। तो ये दिया है इसका आंसर आपको, साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को कहा गया क्योंकि उन्होंने लगातार 25 वर्ष तक सहिष्णुता के साथ अपनी पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की। इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसी के बाद हम देखेंगे 11वां, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको दिया है, चंद्रा एक डॉक्टर बनना चाहती थी परंतु शारीरिक अपंगता के कारण परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पर पाने पर भी उसे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। तब उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टरेट किया। इस प्रकार चिकित्सक जगत को वहाँ अपनी जो सेवाएं नहीं दे पाई वह उन्हें विज्ञान जगत को दे दी। तो इस टाइप से यहाँ पे आपको ये आंसर दिया गया है। 12वां हमारा डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियाँ थी, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। डॉक्टर चंद्रा बीएससी प्राणी शास्त्र में, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में, पीएचडी तथा जर्मन भाषा की शिक्षा उपलब्ध करी थी। इस टाइप से क्वेश्चन दिया है। अब हम देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दीर्घोत्तरीय का, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण कैसी थी, उनके व्यक्तित्व के बारे में आप अपने शब्दों में विस्तार से लिखिए। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको दिया है, आप देख सकते हो क्या है आपका क्वेश्चन यहाँ। डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम सहनशीलता और त्याग की प्रतिमूर्ति थी, यदि उनमें वहाँ गुण नहीं होते तो वह डॉक्टर चंद्रा को उस मुकाम पर नहीं पहुँचा पाती जहाँ पर वह पहुँची। डॉक्टर चंद्रा की माँ को चंद्रा की शिक्षा प्रति घोर साधना करनी पड़ी। जब चंद्रा 5 वर्ष की थी तब वहाँ उसकी माँ को स्वयं उसकी स्कूल बनी और आगे की पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध माउंट कार्मेल के कॉन्वेंट द्वार पर लगातार धरने देने के बाद चंद्रा को वहाँ दाखिला दिलाया और पूरी तरह कक्षाओं में वहाँ अपनी अपंग पुत्री की कुर्सी के पीछे ढाल बनकर खड़ी रही और अपनी बेटी के सारे सपनों को पूरा किया। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों में किस प्रकार भिन्न थी, इसका भी आंसर आपको ये पूरा यहाँ पे इस टाइप से दिया है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे तो क्या दिया है आपको, ये डॉक्टर चंद्रा एक अपंग लड़की थी, उसका ऊपरी धड़ निर्जीव परंतु फिर भी वह सामान्य जनों जैसे कार्य करती थी। अपनी अपंगता को उसने विकास के मार्ग में आड़े नहीं आने दिया, उसमें विलक्षण प्रतिभा थी। उसकी आँखों में अदम्य उत्साह था और चेहरा आभा से सदैव चमकता रहता था। महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ उसे कविताएं लिखने, सिलाई कढ़ाई की डिज़ाइन बनाने और संगीत सुनने का शौक था। इस प्रकार डॉक्टर चंद्रा का अपंग होने पर भी सामान्य जनों से भिन्न थी। इस टाइप से ये आपको क्वेश्चंस का आंसर पूरा यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपका अपराजिता पाठ कक्षा 8वीं का था, चौथे नंबर का जो आपका लेसन है पार्ट 4।